दिस इज द एरा ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. हम ऑफलाइन से भी ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करना आजकल पसंद करते हैं. तो इमेजिन आपको एक एक पर्टिकुलर चॉइस का कुछ क्लोथिंग खरीदना है अपने लिए, या फिर हो सकता है इफ़ यू आर अ मैन तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी मदर और अपनी सिस्टर और एनीवन, फॉर एनीवन इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग. तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग कि आपको किस तरीके का चाहिए या टाइम वेस्ट करने के बजाय, इफ़ यू नो द नेम ऑफ दैट क्लोथिंग यू कैन बाय दैट थिंग वेरी इजीली. आप बहुत आसानी से चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं. या आप ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग कि मुझे इस तरीके का ड्रेस चाहिए जहाँ पे टॉप और लोअर अटैच होता है, तो इस तरीके का एक्सप्लेनेशन देने के बजाय अगर आप सिंपली बोल दो कि मुझे जंप सूट चाहिए, तो वो शॉपकीपर को आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाना कितना ईजी हो जाएगा उनके लिए, एंड आपके लिए चीज़ें खरीदना बहुत ईजी हो जाएगा. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है. तो इस वीडियो में मैं आपको 60 अराउंड विमेन क्लोथिंग वोकैबुलरी बताने वाली हूँ. यानी पूरा आउटफिट होता है जो गर्ल्स का, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है विद एक्सेसरीज. तो अगर वो आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए या फिर ऑनलाइन ऑर्डर ना भी करना हो, अगर आपको इन जनरल भी चीज़ों की जानकारी हो तो वो आपके लिए अच्छा है, आपको काफ़ी स्टैंडर्ड दिखाता है लोगों के सामने. तो चलिए विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं विमेन क्लोथिंग वोकैबुलरी. ओके, सो हम हमारी विमेन क्लोथिंग वोकैबुलरी की लिस्ट स्टार्ट करते हैं द मोस्ट कॉमन इंडियन वेयर से, जो कि है सलवार सूट और सलवार कमीज. सलवार सूट और सलवार कमीज. नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में लेगिंग्स. लेगिंग्स ये एकदम टाइट फिट पैंट्स होते हैं जो कि आप टॉप या फिर कमीज के साथ वेयर कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि है प्लाजो पैंट्स. प्लाजो पैंट्स ये एकदम लूज फिट पैंट्स होते हैं जो कि आप अगेन टॉप के साथ या फिर कुर्ते के साथ वेयर कर सकते हो. एक और टाइप के पैंट्स होते हैं जो प्लाजो पैंट से मिलते जुलते होते हैं, वो कहलाते हैं शरारा पैंट्स. शरारा पैंट्स दोनों ही सिमिलर होते हैं, बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है इसमें, जस्ट नीचे से ब्रॉड टाइप का कटिंग होता है, आप देख सकते हो इमेज में. नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारी लिस्ट में जीन्स. जीन्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पैंट्स के टाइप जो कि है कैप्री पैंट्स. कैप्री पैंट्स जीन्स से थोड़ा शॉर्ट होते हैं, यानी उनका नीज तक का लेंथ होता है, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, आप इमेज में देख सकते हो, ये कहलाते हैं कैप्री पैंट्स. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट विमेन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है डंगरी. डंगरी इमेज में आप देख सकते हो डंगरीज कैसे दिखते हैं, दिस इज कॉल्ड डंगरी. नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में ब्लेजर. ब्लेजर ये ब्लू कलर का आप जैकेट देख रहे हो, इसे ब्लेजर बोलते हो, जिसे ज़्यादातर फॉर्मली वेयर किया जाता है ऑफिशियल वे में, ऑफिसेस में या फिर ऑफिशियल इवेंट्स में. ऑलराइट, ब्लेजर के साथ जो वेयर होता है पैंट, वो कहलाता है ट्राउजर और पैंट्स. ट्राउजर्स या सिंपली आप इसे पैंट्स भी बोल सकते हो. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट विमेन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है सूट. सूट ये भी फॉर्मली वेयर होता है, सिंपल बात है, सब लोग जानते हैं ये. सूट से ही मिलता जुलता एक आउटफिट होता है जिसे हम टक्सीडो बोलते हैं. टक्सीडो, सूट एंड टक्सीडो सिमिलर होता है, बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है दोनों में. जो सूट होते हैं वो एक ही तरीके के फैब्रिक के बने होते हैं, राइट, उसमें एक जो पैंट में फैब्रिक यूज़ होता है वही फैब्रिक यूज़ होता है पूरे सूट में. टक्सीडो में एक अलग से यहाँ पे सैटिन वर्क होता है, दो तरीके के फैब्रिक यूज़ होते हैं इसीलिए टक्सीडो कहलाता है, बहुत कम डिफरेंस है दोनों में. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट विमेन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है स्कर्ट सूट. दिस इज कॉल्ड स्कर्ट सूट. सिंपली सूट है, बस स्कर्ट के साथ वेयर होता है इसीलिए इसे स्कर्ट सूट बोला जाता है. नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में लेदर जैकेट. लेदर जैकेट ये क्योंकि लेदर का बना है इसीलिए लेदर जैकेट, और सिंपली जो किसी भी कॉमन फैब्रिक का बना होता है जैकेट, उसे सिंपली जैकेट बोला जाता है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ जैकेट जो कि है डेनिम जैकेट. डेनिम जैकेट ये डेनिम कपड़े का ब्लू कलर का होता है इसीलिए इसे डेनिम जैकेट बोलते हैं. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी हमारी लिस्ट में जो कि है हुडी. हुडी इस तरीके के जैकेट होते हैं जो जिसके साथ कैप अटैच होता है, उन्हें हुडी बोला जाता है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट विमेन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है ट्रेंच कोट. ट्रेंच कोट ये जो लॉन्ग कोट होते हैं जो आप अपने फुल क्लोथिंग के ऊपर वेयर करते हो, उन्हें ट्रेंच कोट बोला जाता है. एंड इसी से मिलता जुलता एक और टाइप ऑफ कोट होता है जिन्हें ओवरकोट बोला जाता है. ओवरकोट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट दोनों लगभग सिमिलर होता है, बस जो ओवरकोट होता है वो विंटर वेयर होता है, यानी ज़्यादा हैवी फैब्रिक से बना होता है. ट्रेंच कोट में लाइट फैब्रिक यूज़ होता है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी जो कि है पजामा.
पजामा, ये सिंपल लूज फिट पैंट्स होते हैं जिन्हें आप कंफर्ट के लिए नाइट में ज़्यादातर वेयर करते हो, दिस इज कॉल्ड पजामा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट विमेन क्लोथिंग जो कि है नाइट सूट और नाइटी। नाइट सूट और नाइटी, इसे भी आप नाइट में वेयर करते हो, ये सभी जानते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट विमेन क्लोथिंग वोकैबुलरी जिसमें आता है स्विम सूट। स्विम सूट ये ज़्यादातर स्विमिंग के टाइम में पहना जाता है, आप सभी जानते हैं। एक और टाइप ऑफ स्विमिंग आउटफिट जो गर्ल्स यूज़ करते हैं वो कहलाता है बिकिनी, दिस इज़ कॉल्ड बिकिनी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट विमेन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है ब्रा, दिस इज़ कॉल्ड ब्रा। एंड विमेन अंडरगारमेंट्स को हम बोलते हैं पेंटी, निकर या फिर अंडीज। पेंटी, निकर या फिर अंडीज, और ये सारे विमेन अंडरगारमेंट्स होते हैं उनको एक साथ लॉन्जरी बोला जाता है, दिस इज़ कॉल्ड लॉन्जरी। सिंपली पूरे गारमेंट्स को एक साथ लॉन्जरी बोला जाता है, या फिर जो डिज़ाइनर बिकिनी होती है उसे भी लॉन्जरी बोला जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट विमेन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है ट्रैक सूट। ट्रैक सूट, इसमें एक ही फैब्रिक से जैकेट और लोअर बना होता है। इस तरीके का जो ट्रैक सूट होता है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में या फिर रनिंग, जॉगिंग, इस तरीके के एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। आई थिंक आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट विमेन क्लोथिंग विकैब जो कि है स्वेटर, दिस इज़ कॉल्ड स्वेटर। एंड इमेज में आप देख सकते हो दिस इज़ कॉल्ड पुलओवर। पुलओवर, तो स्वेटर एंड पुलओवर ऑलमोस्ट सेम होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में इनके नाम अलग अलग हैं। पुलओवर बेसिकली स्वेटर्स ही होते हैं, वुलन के बने होते हैं, फुल स्लीव्स आउटफिट है ये, बॉडी के अपर हिस्से में पहना जाता है, इसमें बटन्स नहीं होते हैं। ओके, तो जिसमें बटन नहीं होते हैं स्वेटर्स, बेसिकली वो पुलओवर कहलाते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वो कैप जो कि है कार्डिगन, दिस इज़ कॉल्ड कार्डिगन। तो ये भी वुलन का ही बना होता है, स्वेटर का ही एक टाइप है, बस इसमें आगे से बटन होते हैं और पुलओवर में बटन नहीं होते हैं। ऑलराइट, इसे तो हम स्वेटर भी बोलते हैं इंडियंस, दोनों सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वो कैप जो कि है स्कार्फ, दिस इज़ कॉल्ड स्कार्फ। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में शॉल, दिस इज़ कॉल्ड शॉल। नेक्स्ट साड़ी, द मोस्ट ब्यूटिफुल इंडियन वेयर साड़ी, और साड़ी जिसके ऊपर ड्रेप किया जाता है उसे हम ब्लाउज बोलते हैं, यानी जो टॉप होता है जिसके ऊपर साड़ी ड्रेप होता है, दिस इज़ कॉल्ड ब्लाउज। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में क्रॉप टॉप, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉप टॉप। ये टॉप का एक टाइप है, जो शॉर्ट टॉप्स होते हैं इन्हें क्रॉप टॉप बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में ऑफ शोल्डर ड्रेस। ऑफ शोल्डर ड्रेस, यहाँ पर जिसमें शोल्डर नहीं होते हैं, यानी स्लीवलेस जो ड्रेस होता है, इस तरीके का डिज़ाइन बेसिकली, ये ऑफ शोल्डर ड्रेस कहलाता है। और इसी से मिलते जुलते एक और टाइप के टॉप्स आते हैं जिनमें स्लीव्स होते हैं बट यहाँ पे कटिंग होता है, यानी इस तरीके का डिज़ाइन होता है, इस तरीके के टॉप्स को हम कोल्ड शोल्डर टॉप्स बोलते हैं, कोल्ड शोल्डर टॉप्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में टैंक टॉप, दिस इज़ कॉल्ड टैंक टॉप, यानी स्लीवलेस जो फिटिंग के साथ टॉप्स आते हैं उन्हें टैंक टॉप बोला जाता है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट विमेन क्लोथिंग वोकैब्स जो कि है हमारी लिस्ट में हॉल्टर। दिस टाइप ऑफ टॉप्स आर कॉल्ड हॉल्टर टॉप्स, यानी यहाँ पे डोरी होती है या नेक के पीछे तरफ से कटिंग हो अगर जिस टॉप का, उसे हम हॉल्टर टॉप बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वोकैब है हमारी लिस्ट में स्लिप, दिस इज़ कॉल्ड स्लिप। ओके, नेक्स्ट मिनी स्कर्ट, दिस इज़ कॉल्ड मिनी स्कर्ट। ये शॉर्ट स्कर्ट्स होते हैं इसीलिए इन्हें मिनी स्कर्ट बोला जाता है, इसी के ऑपोजिट लॉन्ग स्कर्ट्स होते हैं लॉन्ग स्कर्ट। नेक्स्ट वोकैब है शॉर्ट पैंट्स, जो गर्ल्स वेयर करते हैं जिनका लेंथ नी से ऊपर होता है उन्हें हम शॉर्ट्स बोलते हैं, शॉर्ट्स। नेक्स्ट है बाथरोब, बाथरोब आफ्टर बाथ जो हम ड्रेस पहनते हैं, दिस इज़ कॉल्ड बाथरोब। ऑलराइट, नेक्स्ट वोकैब है हमारी लिस्ट में गाउन और इवनिंग गाउन, जो नाइट पार्टीज़ में, रिसेप्शन वगैरह में जो ड्रेस पहना जाता है उन्हें हम इवनिंग गाउन और सिंपली गाउन बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लोथिंग वोकैब है हमारी लिस्ट में फ्रॉक, फ्रॉक एंड फ्रॉक का ही मॉडिफाइड वर्जन जो थोड़ा सा अपडेटेड हो, थोड़ा मॉडर्न हो, उन्हें हम मिडी बोलते हैं, मिडी। ये भी फ्रॉक पैटर्न में ही होते हैं, नी लेंथ तक के होते हैं जैसा कि इमेज में शो हो रहा है, ये मिडी कहलाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट विमेन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है जंप सूट। जंप सूट कुछ ऐसे दिखते हैं जैसा इमेज में शो हो रहा है, इसमें नीचे का पैंट और टॉप साथ में अटैच होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड जंप सूट। तो यहाँ पे हमारी क्लोथिंग वोकैबुलरी ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, अब हम देखते हैं कुछ एक्सेसरीज जो कि क्लोथिंग वोकैबुलरी का ही पार्ट है। राइट, जैसे स्टॉकिंग्स,
स्टॉकिंग्स वो सॉक्स होते हैं ऐसे मोजे जो नी तक के होते हैं, घुटनों तक की जिनकी ऊंचाई होती है, लेंथ होती है, उन्हें स्टॉकिंग्स बोला जाता है। नेक्स्ट है मास्क, विच इज़ द मोस्ट यूज्ड गारमेंट ऑफ 2020। ये 2020 में सबसे ज़्यादा यूज हुआ वेयरिंग है मास्क। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में रेनकोट जो हम बारिश में वेयर करते हैं, रेनी सीजन में रेनकोट। नेक्स्ट है ग्लव्स। नेक्स्ट हैंडकरचीफ जिसे शॉर्ट में हैंकी बोला जाता है, जिसे हिंदी में हम रुमाल बोलते हैं, हैंडकरचीफ। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ विमेन क्लोदिंग वोकैबलरी। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में सॉक्स। सॉक्स मतलब मोजे। स्टॉकिंग्स एंड सॉक्स में यही डिफरेंस होता है, स्टॉकिंग्स लॉन्ग होते हैं, नी तक के, घुटने तक की उनकी लेंथ होती है, सॉक्स छोटे होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में पीपीई किट। Although this is not part of women clothing, मुझे लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है तो this should be the part of our list, तो इसलिए मैंने इसे ऐड किया हुआ है, PPE किट जो कि हम कोरोना वायरस से बचने के लिए पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में फ्लिप फ्लॉप जो स्लीपर्स, जो चप्पल्स हम यूज़ करते हैं, उन्हें इंग्लिश में फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ विमेन क्लोदिंग वोकेबलरी। राइट, नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में बूट। ये लेदर के बने होते हैं, नी तक की इनकी लेंथ होती है, दीज आर कॉल्ड बूट। ओके, नेक्स्ट सैंडल्स। नेक्स्ट विमेन क्लोदिंग वोकैब है हील्स जो इस तरीके के सैंडल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हील होता है, बेसिकली पेंसिल हील होता है, उन्हें हील्स बोला जाता है। नेक्स्ट वोकैब है हमारी लिस्ट में ग्लासेस जो चश्मे पहने हुए हैं, इन्हें हम ग्लासेस बोलते हैं। ओके, और जो सनग्लासेस होते हैं, जो काले चश्मे होते हैं, उन्हें सनग्लासेस बोला जाता है, सनग्लासेस। और जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं, उन्हें सिंपली ग्लासेस बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में हैंडबैग। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ विमेन क्लोदिंग वोकैबलरी। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में कैप। दिस इज कॉल्ड कैप। एंड जो हम विंटर में कैप्स पहनते हैं, इन्हें विंटर कैप बोला जाता है, विंटर कैप। एंड ये जो आप टाइप देख रहे हो कैप का, दिस इज़ कॉल्ड हैट। ये हैट है। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन सब में, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे विमेन क्लोदिंग वोकैबलरी एंड होती है। अगर यूज़फुल लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में जो वोकैब बताई गई थी उससे आपको काफ़ी नॉलेज बढ़ा तो होगा। अगर वीडियो पसंद आया, इसमें से आपको कुछ भी नया सीखने के लिए मिला होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इस तरीके के वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके लिए सिंपली जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चैनल पर अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैंने आपको विमेन क्लोदिंग वोकैब बताया। अगर आप मैन क्लोदिंग वोकैबलरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ड्रॉप करिएगा। मैं कोशिश करूंगी एक ऐसा वीडियो रेडी करने की बहुत जल्दी, जिसमें आपको एंटायर वोकैब मिलेगा अबाउट मैन क्लोदिंग। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।